नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूँ बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे पहले दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का किया जाएगा इंतजार। अभी दो दिन और जेल में रहेंगे अरविंद केजरीवाल, 26 जून को होगी सुनवाई। पानी की मांग को लेकर दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का अनशन चौथे दिन जारी रहा। आज दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अनशन स्थल पर की बैठक और सभी मंत्रियों ने हस्ताक्षर कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। इरफान पठान के मेकअप आर्टिस्ट की स्विमिंग पूल में डूबने से हुई मौत, वेस्टइंडीज के एक होटल में हुआ हादसा। नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जमकर घेर रहे, कहा केंद्र और बिहार में उनकी सरकार है, प्रदेश में अपराधियों का राज चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वीं लोकसभा के लिए संसद सदस्य के रूप में ली शपथ। बात करें शेयर बाजार की तो सेंसेक्स 131 अंक चढ़कर 77,341 पर हुआ बंद, निफ्टी में भी 36 अंक की तेजी रही। सोना 150 रुपए गिरकर 72,230 रुपए पर आया, चांदी में भी 300 रुपए की गिरावट, 1 किलो चांदी 91,700 रुपए पर बिक रही। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की खास खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ओबीसी के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया है। दरअसल ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों के 15% आरक्षण को बढ़ाकर 27% कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम में घोषणा कर दी है। उन्होंने घोषणा में कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपए है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में ये क्रीमी लेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक कर दी जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। बताते चले कि ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सजग है। बीतक 10 सालों में हरियाणा प्रदेश में ओबीसी समाज के हर स्तर पर लाभ पहुंचाने में सरकार ने अपना दायित्व निभाया है। केंद्र सरकार ने न केवल ओबीसी वर्ग बल्कि देश के पिछड़े इलाकों को आकांक्षी जिला घोषित कर सर्वांगीण विकास की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाए हैं और हरियाणा का नूह जिला केंद्र सरकार की आकांक्षी योजना में शामिल किया गया है। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। अंबाला में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने वरुण मोलाना को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयवान ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर प्रदेशवासियों को 25-25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। कोई भी गंभीर बीमारी होने पर किसी भी गरीब परिवार को पैसे के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे, ना ही किसी गरीब को इलाज के लिए कर्जा लेना पड़ेगा। उनके इलाज की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार उठाएगी। वहीं कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार रहते ये योजना लागू की थी। सरकार बनने पर बुजुर्गों को 6,000 पेंशन, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम, महंगाई से राहत देने के लिए 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। सरकार विभागों में खाली पड़े 2 लाख पदों का योग्यता अनुसार मेरिट के आधार पर पक्की भर्तियां भी कराएगी। साथ ही कहा कि पेपर लीक और भर्ती माफिया से निजात दिलाते हुए साफ सुथरी भर्ती और पेपर सुनिश्चित किए जाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में नतीजों ने स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन वो कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि जीत सुनिश्चित मानकर घर नहीं बैठें। अगर जनहित की जनप्रिय सरकार बनानी है तो अगले 3 महीने घर नहीं बैठना है, बल्कि जनता के बीच ही रहना होगा।
वही हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी ने रोहतक में अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकार से लोगों का जीवन सुगम बनेगा। उन्होंने कहा कि वे 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दे रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सहनी का कहना है कि भाजपा वह वादे ही करती है जो वो पूरे कर सके, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वादों में दम नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि 10 साल के कार्यकाल में हुड्डा ने अपने किए वादे पूरे नहीं किए। दरअसल सैनी ने रविवार को भाजपा के रोहतक स्थित प्रदेश कार्यालय में अभिनंदन समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए भाजपा की डबल इंजन सरकार 24 घंटे बिजली आपूर्ति कर रही है, गरीब लोगों को प्लॉट बांट रही है, शेष पात्र लोगों के खाते में सरकार 1-1 लाख रुपए की राशि डालेगी ताकि वे 100-100 गज वर्ग के प्लॉट खरीद सके। साथ ही कहा कि वर्तमान में गरीब लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान ना तो पर्याप्त बिजली मिलती थी और ना ही गैस सिलेंडर की बुकिंग के 3 दिन बाद ही उपलब्ध होता था। बताते चले कि सैनी ने दावा किया कि भाजपा लगातार 3री बार प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। आज हरियाणा प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ श्री रामलल्ला का दर्शन पूजन किया। आपको बता दें कि सोमवार को हरियाणा सरकार रामलल्ला के दरबार में नतमस्तक दिखाई पड़ी। साथ में ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 13 मंत्री और 19 विधायकों के साथ यहाँ पहुँचे थे। वहीं दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हमारा सौभाग्य था कि रामलल्ला के दर्शन का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि हमारी कैबिनेट में विधायकों ने दर्शन कर देश प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। बताते चले कि सीएम समेत उनकी कैबिनेट में अन्य विधायक का अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचने पर भव्य स्वागत हुआ। वहीं सीएम नायब सिंह सैनी रामलल्ला के दर्शन के लिए जाने से पहले मीडिया से रूबरू भी हुए। उन्होंने कहा कि सौभाग्य की बात है, हमें भगवान रामलल्ला के दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश खुशहाल और विकास के आगे बढ़े, ऐसी कामना हम भगवान श्री राम से करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत लगातार हर जिले से बसें अयोध्या जा रही हैं। इसके तहत बुजुर्गों को अयोध्या और अन्य तीर्थों पर ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग के अधिकारियों को कहा कि जो भी श्रमिक अयोध्या जाना चाहे उनको भी ले जाने के लिए व्यवस्था करें। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि गरीब व्यक्ति जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है, ऐसे लोगों को तीर्थ दर्शन यात्रा के तहत सरकार फ्री में घुमा रही है। तो अब बात करते हैं हरियाणा के मौसम की। अगले 3 से 4 दिन में मानसून पूरी तरह उत्तर भारत में दस्तक देगा। हालांकि उससे पहले भीषण गर्मी से लोगों को परेशानियां बढ़ रही हैं। दरअसल पंजाब और हरियाणा में 2 दिन की राहत के बाद गर्मी ने फिर रुद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। कई शहर जिनका तापमान बारिश के बाद 6 से 7 डिग्री गिरकर 40 के नीचे पहुंच गया था, वो फिर से 40 के पार पहुंच गया है। हालांकि अब भीषण गर्मी का दौर काफी छोटा रह गया है, क्योंकि अगले 3 से 4 दिन में पंजाब, हरियाणा और हिमाचल समेत पूरे उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। हरियाणा के दक्षिण पूर्व जिलों में बारिश के आसार है। सोमवार को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नुह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश के अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी, दादरी में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी। हरियाणा NCR में दिल्ली में मानसून 28 जून तक पहुंच जाएगा और 1 जुलाई तक यह पूरे हरियाणा को कवर कर लेगा। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा सुर्खियों के साथ हरियाणा की खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।